जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दी नसीहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना काम निष्पक्ष करें। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को अपने कामकाज में ईमानदारी निष्पक्षता के कड़े मानकों को बनाए रखने और प्रतिशोधी नहीं होने का निर्देश दिया। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल एस्टेट समूह M3M के गिरफ्तार निदेशकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और संजय कुमार की पीठ ने कहा कि दो निदेशकों पंकज और बसंत बंसल को कथित मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ के लिए 14 जून को बुलाया गया था। मामला और दोनों को उसी दिन ईडी द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था। बंसल ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA की धारा 19 के तहत अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाया, जिसने उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। उनकी तत्काल रिहाई का निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले के तथ्य दिलचस्प हैं, क्योंकि ईडी अधिकारियों द्वारा आरोपियों को गिरफ्तारी के आधारों की लिखित प्रति दिए बिना मौखिक रूप से पढ़ने पर गिरफ्तार करना गंभीर आपत्ति है। पीठ ने कहा यह ईडी के बारे में बहुत कुछ कहता है और उनकी कार्यशैली पर खराब असर डालता है, खासकर तब जब एजेंसी पर देश की वित्तीय सुरक्षा को संरक्षित करने का आरोप है। ये बताते हुए कि ऐसी उच्च शक्तियों और कार्यों को सौंपी गई एजेंसियों से क्या अपेक्षा की जाती है, पीठ ने कहा ईडी को पारदर्शी होना चाहिए, बोर्ड से ऊपर होना चाहिए और निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के प्राचीन मानकों के अनुरूप होना चाहिए और अपने रुख में प्रतिशोधी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बंसल की गिरफ्तारी को खारिज कर दिया और कहा ईडी के जांच अधिकारियों ने केवल गिरफ्तारी के आधार को पढ़ा, ये संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19(1) के आदेश को पूरा नहीं करता है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में ईडी का गुप्त आचरण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इसमें मनमानी की बू आती है।